दोस्तों, मैं दिल्ली घूम रहा हूँ। फिर भी मैं इसको बुलवा के रहूंगी आज। उधर जंगल है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। हेलो दोस्तों, दिल्ली के एक और ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो दिल्ली डायरी में आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ यमुना आरती। जी हाँ, हरिद्वार और ऋषिकेश की गंगा आरती तो आप सभी ने देखी होगी। अब दिल्ली में भी यमुना आरती शुरू हो गई है, जिसे मैं देखने आई हूँ आज पहली बार, और इसी के साथ मैं ब्लॉग शूट करूंगी। इसके लिए मैंने काफी लोगों से पूछा था, लेकिन जो लोकल दिल्ली के रहने वाले लोग हैं उनको भी नहीं पता कि यहाँ पे यमुना आरती होती है। तो ये जो है दिल्ली के वासुदेव घाट पे बना हुआ है। वासुदेव एक घाट है, बहुत ही सुंदर है, प्यारा है। यहाँ पे जो है टैंकर वैंकर खड़े हुए हैं, काफी सारी चीजें यहाँ पर है, मेटल सामान वामान अंदर अभी भी काम चल रहा है। यहाँ पे देखिए मशीनें ले जा रहे हैं लोग। अब अंदर और चलते हैं, क्या क्या काम हुआ है, कैसा व्यू है, चलिए मेरे साथ में। तो दोस्तों मैं अंदर आ गई हूँ, और अंदर देखिए कितनी प्यारी यहाँ पे ग्रीनरी है, काफी सारे पेड़ पौधे हैं, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े गार्डन्स हैं। और पीछे देखिए ये छतरियाँ भी यहाँ पर बनी हुई है, थोड़ा सा राजस्थान थीम में इसे बनाया गया है। अलग अलग जगह पर जैसे राजस्थान में छतरियाँ होती हैं, वैसे बनी हुई है यहाँ पे। तो फोटोशूट के लिए भी ये बहुत प्यारी जगह है। अब आपको दिखाती हूँ गंगा आरती की तैयारियाँ चल रही है। देखिए वहाँ पर जो हाथी है, हाथी के स्टेचू बने हुए हैं, वहीं पे पंडित वगैरह तैयारियां कर रहे हैं। शाम के 7 बजे ही आरती शुरू हो जाती है। आप इस आरती को अगर अटेंड करना चाहते हैं तो 6 बजे से 7 बजे के बीच में यहां पे आ जाइए। और यहां का नियरेस्ट जो मेट्रो स्टेशन है वो है कश्मीरी गेट। कश्मीरी गेट से आप ऑटो भी कर सकते हैं, लेकिन जो रास्ते हैं वो काफ़ी घुमावदार हैं, तो आप पैदल भी आ सकते हैं। और पैदल आने के लिए जो मैंने शॉर्टकट अपनाया है वो है यहाँ पे जो कश्मीरी गेट ISBT का जो बस स्टैंड है, उससे आप डायरेक्ट एग्जिट लेके पुल क्रॉस करके और थोड़ा सा यू टर्न लेके रॉन्ग साइड से आप आएंगे तो सीधा आपको वासुदेव घाट दिखेगा, सिर्फ 200 से 300 मीटर की दूरी पे। और देखिए अब यहाँ पे आरती शुरू होने वाली है, यमुना जी की आरती होगी यहाँ पे, किस तरीके से होगी। मैंने हरिद्वार की आरती भी देखी है, ऋषिकेश की आरती भी देखी है, आप सभी लोगों ने भी देखी होगी। तो दिल्ली की आरती आपने नहीं देखी होगी, बहुत ही अद्भुत और प्यारी होने वाली है। बहुत ही पॉजिटिव वाइब है यहाँ पे, क्योंकि ये दिल्ली का ही एकमात्र ऐसा स्थान होगा जहाँ आप थोड़ा अच्छा फील करेंगे। चारों तरफ ग्रीनरी है, बहुत प्यारे प्यारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, काम चल रहा है, बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं यहाँ पे, ऊंचे बहुत पुराने पौधे हैं यहाँ पे। और देखिए वहाँ पे जो है डीजे वगैरह लगा हुआ, स्पीकर लगे हुए हैं बड़े बड़े। अब वहाँ पे चल के देखेंगे, वहाँ से यमुना का व्यू देखेंगे, तो चलिए मेरे साथ में। देखिए पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फेस बना हुआ है छोटी सी लड़की का, छोटी सी गुड़िया का। मुझे तो लगता है कि ये यमुना माँ की आकृति बनाई हुई है, एक गर्ल फेस है। आप देखिए कितना प्यारा इसे बनाया गया होगा। देखिए वहाँ पर जो है एक छोटी सी लड़की वाला है, सुंदर सी आंखें हैं, सुंदर से होठ और छोटे छोटे बाल उनके। तो ये जो पहाड़ी टाइप में जो घास नुमा ये बनी हुई है, इसी के साथ में इसको डिजाइन किया गया है। तो यहाँ पे देखिए कुछ लोग फोटोग्राफी भी करवा रहे हैं, एक तरह से ये यहाँ का सेल्फी पॉइंट है। अब आपको मैं बता देती हूँ कि अगर आप इस आरती को अटेंड करना चाहते हैं तो किस दिन आ सकते हैं। पूरे 7ों दिन ये आरती नहीं होती है, या आरती ओनली ट्यूजडे एंड संडे को होती है, मंगलवार और रविवार शाम के 7 बजे। इन्हीं 2 दिन में आप यहाँ पे आ सकते हैं, बाकी के दिन यहाँ पे नॉर्मली आप विजिट कर सकते हैं, घूम सकते हैं। लेकिन अगर आपको आरती अटेंड करनी है तो आपको संडे और ट्यूसडे ही आना पड़ेगा। आज है संडे, आज मैं अटेंड कर रही हूँ संडे की आरती। ट्यूसडे को यहाँ पे थोड़ा सा कम भीड़ होती है, और संडे वाले दिन ऑब्वियसली बात है कि लोग ज़्यादा फ्री होते हैं तो इसी दिन ज़्यादा आते हैं। अभी थोड़ा सा गर्मी वाला मौसम है तो पसीना भी आ रहा है, आप चेहरे पर देख सकते हैं। बारिश होने के बावजूद थोड़ा सा उमस है, ह्यूमिडिटी है, लेकिन घूमने का जो मज़ा है वो कम नहीं होना चाहिए, चाहे मौसम कोई भी हो। तो वी आर ट्रेवलर, और मैं आपको बता देती हूँ आज मेरे साथ मेरे ब्लॉग में है प्रशांत। काफ़ी दिनों बाद मेरे ट्रेवल पार्टनर के साथ मैं यहाँ पे आई हूँ। ये वीडियोस में इसलिए नहीं दिख पाता क्योंकि ये शूट करता है, और कभी कभी जब मैं सेल्फी से शूट करती हूँ तभी ये दिख पाता है। बहुत दिनों बाद दिल्ली आया है, करीब 8 महीने बाद। मैं इसको बुलाती रहती हूँ लेकिन ये अपने कामों में बिजी रहता है, तो इस बार ही आया है। और अब हम दोनों मिल के दिल्ली घूमेंगे। तो जो प्रशांत के दोस्त हैं जो ये सोचते हैं कि प्रशांत वीडियो में नहीं आता है, तो वो इसको इसकी तारीफ़ करो, क्योंकि जो है कितना अच्छा ये वीडियो शूट करता है, ये मेरे पीछे रहता है। अगर ये नहीं हो तो इतने अच्छे वीडियो शूट नहीं हो पाते हैं, और फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि इसको वीडियो में लूँ।
ये थोड़ा सा शाय पर्सन है इसलिए कम बोलता है। पहले जब मैं ब्लॉग करती थी तब ये बहुत बोलता था, अब पता नहीं इसको क्या हो गया है। फिर भी मैं इसको बुलवा के रहूंगी आज कुछ ना कुछ। हेलो दोस्तों, मैं दिल्ली घूम रहा हूँ। अब हम एकदम नज़दीक आ गए हैं, स्पीकर अब बंद हो चुके हैं, आरती की तैयारियां चल रही है। और उससे पहले आपको दिखाती हूँ यमुना, जो एकदम दिल्ली जो है यमुना के किनारे पर ही बसा हुआ है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बचपन से हम जिन भी किताबों में पढ़ते थे तो उसमें यही लिखा आता था, दिल्ली यमुना के किनारे बसा हुआ है। आगरा, मथुरा, ये कुछ शहर हैं भारत के जो यमुना के किनारे पर बने हुए हैं। यहाँ पे सभी लोग जो हैं चेयर वगैरह पे बैठे हुए हैं, और जो सीनियर सिटीज़न हैं उनके लिए चेयर्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये सीढ़ियाँ हैं, और बारिश की वजह से जो है यहाँ तक आप सीढ़ियों पे देख सकते हैं, यहाँ तक बारिश हुई है, तो पूरा पानी जो है यहाँ तक आया होगा। और अभी जो है बहाव थोड़ा सा कम है तो नीचे चला गया है, मिट्टी मिट्टी यहाँ पर रह गई है। और यहाँ पर जो है पौधे भी हैं, ये जो जलीय पौधे जिनको बोलते हैं, शायद कमल वगैरह, तो मिट्टी के साथ में वो पौधे भी हैं। और धीरे धीरे ये बहाव है, बहुत ज़्यादा इसका बहाव यहाँ पर नहीं है जिस तरीके से मथुरा में है। यमुना वैसे भी शांत नदी है, जैसे गंगा में जो है काफ़ी लहरें उठती है और ये शांति से बहती जाती है। और तो शाम का ये है व्यू पूरी, देखिए आप यहाँ पे घाट कैसा बना हुआ है, ग्रीन ग्रीन यहाँ पर अभी घास है, और ये छोटे छोटे यहाँ पर जो है चबूतरे टाइप बने हुए हैं जहाँ खड़े होकर फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हैं। वहाँ से एक पुल जा रहा है, बीच में ये यमुना नदी है, उधर जंगल है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है, बाकी तो ये लाइट के खम्भे वगैरह हैं। और उसके अलावा ये जो है घाट टाइप में बना हुआ है, यहाँ बैठ के सुकून से टाइम स्पेंड कर सकते हैं और यमुना को निहार सकते हैं। देखिए वो जो अंकल हैं वो यमुना को प्रणाम कर रहे हैं, लोग यहाँ पे वॉकिंग भी कर रहे हैं, जो वॉकिंग का भी यहाँ पे जो है ट्रैक बना हुआ है, पैदल पैदल घूम सकते हैं इसमें। और वहाँ पर दो हाथी की स्टेचू बने हुए हैं, वहाँ पर आरती की तैयारी हो रही है, करीब से जाके भी देखेंगे। अभी वहाँ पर साउंड वगैरह बज रहा है तो थोड़ा आवाज़ नहीं आएगी, इसलिए मैं दूर से बना रही हूँ वीडियो। किनारों पर देखिए लोग बैठे हुए हैं, और चार यहाँ पर आरती होने वाली है, चार यहाँ पर टेबल लगाई हुई है, चार पंडित एक साथ में आरती करेंगे। यहाँ पे तस्वीर लगाई हुई है यमुना माँ की, और ये दीपक हैं जिनमें बाती अभी सजाई जा रही है। ये देखिए इस तरह के दीपक हैं। जो है पहले हम लोग किराए पे लेते थे, जनवरी से लेके अब तक सारा है, पिछले हफ्ते तक किराए पे लेके चलाते थे। आज संस्था बड़ी पंचायत वैसे भी से अग्रवाल द्वारा ये सारा सामान अपना स्वयं का खरीद लिया है, क्योंकि पहले बहुत पैसा देना पड़ता था, अब आज से पहले दिन ही शुरुआत कर रहे हैं। संकल्प हरि ओम विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः चतुर्दश्याम हरितम गोत्रः। सभी लोग अपने अपना गोत्र उच्चारण कर लेंगे, सभी लोग अपना अपना नाम ले लेंगे, माता का, पिता का, भाई बहन सभी लोगों का, समस्त परिवार इष्ट मित्र बंधु बांधव शहीदोहम आयु आरोग्य ऐश्वर्य विद्याधनंजय नस्य जयतु जगाह श्री सायदा माई स्वाहा काले। वृंदावन बिहारी लाल की जय, पार्वती हरे 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 महादेव शंभु
आरती हो गई है, बहुत अच्छे से हमने आरती अटेंड की है बिल्कुल पास में जाके। ये पहली बार है जब एकदम नजदीक जाके आरती भी ली है। और देखिए ये प्रसाद में यहाँ पे बूंदी मिलती है। अब यहाँ पे लाइन लग रही है, अल्पाहार की भी व्यवस्था है, खाने की भी यहाँ पे व्यवस्था है। देखिए लंबी सी लाइन लग रही है यहाँ पे सभी भक्तों के लिए। खाना भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है यहाँ पे, और पीछे प्रसादी बट रही है। तो बहुत ही बढ़िया ये अनुभव है, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ये आरती अटेंड करने के बाद में आप भी अगर दिल्ली घूमने आते हैं या दिल्ली के ही रहने वाले हैं तो यहाँ पे आके आरती जरूर अटेंड कीजिए। तो मैं अभी बैठी हूँ यमुना के घाट पर, यहाँ पर काफी अंधेरा है तो मोबाइल की फ्लैश लाइट जला के थोड़ा सा मैंने यहाँ पे रोशनी की है। और देखिए यहाँ पे जो है समोसा मिला है अल्पाहार में। अब ये नहीं पता कि एवरी आरती में ये समोसा दिया जाता है, हो सकता है कि यहाँ पे जो है आज साउंड सिस्टम का जो है मतलब इनॉग्रेशन किया है उन लोगों ने, यमुना आरती के लिए अपना खुद का साउंड सिस्टम खरीद लिया है। जैसा कि उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि इससे पहले जो साउंड सिस्टम है वो रेंट पे लेके लगाया गया था, तो शायद उस खुशी में यहाँ पे समोसा डिस्ट्रीब्यूट किया है। और समोसा देखिए कितना अलग है। आप देखिए इस पूरे समोसे में मुझे अभी तक आलू नहीं मिला है, पनीर है, बादाम है, मटर है, और पता नहीं कौन कौन सी इसमें सब्जियां हैं। इस तरह का ये एकदम यूनिक समोसा है। तो मज़ा आ रहा है यहाँ पे यमुना के घाट पे अंधेरे में एकदम बैठ के फील कर रहे हैं यहाँ पे। दोस्तों दिल्ली में यमुना घाट की आरती शुरू हुई है 22 जनवरी से, यानी कि जिस दिन श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उसी दिन से यहाँ पे आरती की शुरुआत हुई है। और इस आरती की शुरुआत की है उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने, उन्होंने यहाँ पे उद्घाटन किया था। जिस दिन आरती की थी पहला दिन उस दिन था मंगलवार। और अब देखिए आप यहाँ पे मंगलवार और रविवार दोनों दिन आ सकते हैं, इसके अलावा यहाँ पे विजिट ही कर सकते हैं। उस दिन आरती नहीं होती है, दो दिन बहुत अच्छे इंतज़ाम होते हैं, बहुत अच्छी आरती होती है। अभी ये स्टार्ट हुई है जनवरी से, मतलब 7-8 महीने अभी इसको हुए हैं। तो ये भक्तों के लिए और दिल्ली वासियों के लिए बहुत अच्छी पहल की गई है। दिल्ली सरकार ने जो इसको शुरू किया है, केंद्र सरकार ने भी इसमें योगदान दिया है, तो बहुत अच्छी बात है। हम सब लोगों के लिए, हम टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे आ सकते हैं। दिल्ली में एक और जगह लोगों को देखने के लिए हो गई है। तो अब ज़रूरी नहीं है कि गंगा आरती देखने के लिए आप हरिद्वार जाएं, ऋषिकेश जाएं, वहाँ नहीं जा सकते। तो आप नज़दीक में ही दिल्ली में यमुना जी की आरती देख सकते हैं। तो मैंने तो आरती देख ली है, ब्लॉग भी आप लोगों के लिए बना दिया है। आई होप आपको ये ब्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिए ताकि लोगों को जो है दिल्ली की यमुना आरती देखने को मिले। और आप भी आइए, अटेंड कीजिए, बहुत प्यारी ये जगह है। गंगा आरती के अलावा, यमुना घाट के अलावा यहाँ पे घूमने के लिए आसपास में जो है काफ़ी सारे गार्डन वगैरह हैं। टाइम स्पेंड करने के लिए भी बहुत अच्छी ये जगह है, और फोटोग्राफी के लिए तो बहुत ही प्यारी जगह है। तो मिलती हूँ आपको दिल्ली के अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय माता दी, नमस्कार।